नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9 और हमारा जो विषय है हिंदी। हिंदी में हमारी जो पाठ्यपुस्तक है क्षितिज भाग 1, तो उसका जो गद्यखंड है तो गद्यखंड का चौथा अध्याय, तो उसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं। लेखक का नाम है जाबिर हुसैन, उनकी जो रचना है सांवले सपनों की याद, तो उसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो लेखक परिचय है उसका हम अध्ययन करते हैं कि जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। अब ये अंग्रेजी भाषा और साहित्य यानी कि अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक थे और भाषा के भी। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1970 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। अब देखिए, जाबिर हुसैन का जो जन्म है 1945 में गांव नौनही राजगीर में हुआ और जो ज़िला नालंदा है बिहार है वहां पे हुआ था। और ये अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक रहे और सक्रिय राजनीति में भी इन्होंने भाग लिया था, क्योंकि हमारा जो देश है ना 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद में भी काफ़ी जो है चलता रहा राजनीति के अंदर संघर्ष जो है। तो सक्रिय जो राजनीति थी स्वाधीनता के बाद की, तो उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और 1970 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में इनका समान अधिकार रहा है, तो उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं, अब ये इनकी रचनाएं हैं कि जो आगे हैं, डोला बीबी का मंजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं इनके। अब ये इनकी हिंदी की रचनाएं हैं जिनका हमने वर्णन किया है, पढ़ा है इनको। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। अब देखिए, अपने जो लंबा राजनीतिक और सामाजिक जो जीवन अनुभव है उसमें उपस्थित जो आम आदमी है उसके संघर्ष को इन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरी चर्चित प्रशंसित हुई है। अब जो संघर्षरत आम आदमी है, जो संघर्ष करता रहता है, और जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उन पर लिखी गई जो इनकी डायरी है वो काफ़ी चर्चित और प्रशंसित रही है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। अब जाबिर हुसैन ने डायरी जो विधा है, क्योंकि अलग अलग विधाएं होती ना इसमें, डायरी, संस्मरण, रेखाचित्र, तो इस प्रकार से अलग अलग विधाएं हैं, तो उन विधाओं के अंतर्गत जो गद्य विधाएँ हैं डायरी विधा, तो उसमें भी एक अभिनव प्रयोग किया है इन्होंने। और एक जो शैली और शिल्प जो है उसमें नवीनता लाने का प्रयास भी इन्होंने किया है। अब जो प्रस्तुत पाठ हम पढ़ेंगे सांवले सपनों की याद, तो उसमें लेखक हमें क्या बताना चाहता है, उसका मूल भाव क्या है, तो चलिए जानते हैं हम कि प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। अब ये डायरी शैली में लिखा गया है और ये एक संस्मरण है यानी कि याद पर आधारित है। ये लिखा कब गया है, जून 1987 के अंदर, और किसके विषय में लिखा गया, प्रसिद्ध जो पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली थे तो उनके संदर्भ में, और किस समय, उनकी मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया था ये। तो सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। अब जो सालिम अली है ना, उनकी मृत्यु से उत्पन्न जो दुख था इनको, जो अवसाद था, तो उसको लेखक ने अपने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। अब देखिए, व्यक्ति चित्र यानी किस प्रकार के व्यक्ति थे, किस प्रकार से उनके क्रियाकलाप थे, तो उनका इसमें वर्णन किया गया है संस्मरण के आधार पर। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू जाती है। अब भाषा की रवानी यानी कि भाषा जो लयात्मकता है, कहीं भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है कि भाषा जो है कठिन हो जाए, और जो अभिव्यक्ति है वो वह न रहे जो
अभिव्यक्त करना चाहता है लेखक, तो ऐसी अभिव्यक्ति की जो शैली है वो दिल को छू जाती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मूल अध्याय है सांवले सपनों की याद, जो कि एक संस्मरण पर आधारित है, तो चलिए पढ़ते हैं हम। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर संवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। अब ये हुजूम कहते हैं झुंड जो है, कि सुनहरे परिंदों के जो खूबसूरत पंख हैं उनके ऊपर सवार होकर जो सांवले सपनों का एक हुजूम जो है, जो झुंड जो है, वो मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है। कोई रोक टोक सके क्या संभव है? अब लेखक कहते हैं कि जो कोई मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर हो रहा है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, यानी कि मृत्यु हो जाने के बाद में उसको पुनः लेके आना संभव नहीं होता। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। अब देखिए जो झुंड जा रहा है, लोग एकत्रित होकर जा रहे हैं, तो उनमें सबसे आगे कौन है? सालिम अली हैं, यानी कि हमने पढ़ा था ना इसमें कि वो पक्षी वैज्ञानी हैं, है ना। तो अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाई। अब देखिए लेखक कहता है कि सालिम अली जो हैं वे भी अपने कंधों के ऊपर जो सैलानी हैं, जो यात्रा करने वाले हैं, उनकी तरह अपने अंतिम सफ़र का बोझ उठाए जा रहे हैं वो। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। अब यह जो सफ़र है, जो यात्रा है, वो अन्य यात्राओं से, जो भी उन्होंने किया, उनसे अलग है। ये भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब देखिए लेखक कह रहा है कि ये जो भीड़ भाड़ की ज़िंदगी थी, जो तनाव का माहौल था, तो उससे सालिम अली जो हैं उनका यह आखिरी पलायन है। आखिरी पलायन मतलब आखिरी बार ये जा रहे हैं और वे वापस नहीं आएंगे। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। अब देखिए किस प्रकार से लेखक कल्पना कर रहा है कि अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद में मौत की गोद में जा बसा है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? अब लेखक कहता है कि अपने जिस्म की हरारत अर्थात गर्मी देकर भी अगर, या दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहिए ना कि उस पक्षी को, कि वह वापस आ जाए और वैसे ही गीत, जो मधुर गीत वो पहले गा रहा था, वैसे गा दे, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो वह अपने सपनों के गीत है वो दोबारा कैसे गा सकेगा, बताइए? वो नहीं गा सकता। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखते हैं, देखने को उत्सुक रहते हैं। अब देखिए लेखक कहता है कि जो उनको पुरानी याद आ रही थी, तो कहता है कि उन्होंने मुझसे कहा था, मुझे नहीं लगता कि कोई सोया हुआ जो है वो हर प्रकार से ये कह सके कि जो सोया हुआ पक्षी है उसको जगाया जा सके, ऐसा भी नहीं हो सकता। जो कि अब लंबी गहरी नींद सो चुका है, मृत्यु की नींद सो चुका है, तो उसको जगाना चाहेंगे तो वो जागेगा नहीं। तो वर्षों पूर्व जो खुद सालिम अली साहब ने कहा था कि हर प्रकार से जो लोग हैं पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, कि जो पक्षी है ना उनको आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं कि पक्षी जो है उनके पिंजरे में आके किस प्रकार से सुंदर रहेगा और रहेगा, लेकिन यह उनकी भूल है। लेखक कहते हैं कि ये भूल है उनकी। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। अब देखिए जिस प्रकार से हम जंगलों और पहाड़ों को, झरनों को, और ये आबशार देखना, इसको भी झरना ही कहते हैं, आबशार, आब मतलब पानी और सार मतलब झरने वाला, तो झरनों को प्रकृति की नज़र से नहीं देखते कि कितनी अधिक इसमें सुंदरता है, किस प्रकार से प्रकृति जो है अपना विचरण कर रही है, लेकिन आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। तो भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? अब देखिए कि अगर व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, पक्षियों को अपनी नज़र से देखता है, उनकी नज़र से नहीं देखता कि वो स्वच्छंद रहकर ही आनंदित होते हैं,
तो ऐसा कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ जो मधुर आवाज़ है उसको सुनकर भी अपने भीतर जो है किसी प्रकार से क्या रोमांच का एक उत्साह का जो सोता है जो झरना है तो ऐसे फूटता हुआ महसूस कर सकता है। तो एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। अब ये एहसास की एक ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जो ज़मीन है और उस पर जन्मे मिथक, मिथक कहते हैं कि पुरानी जो पुरा कथा का तत्व है एक जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है, तो ये मिथक कहा जाता है कि प्राचीन जो पुरा कथाएँ या पुरानी जो पुरानी कथाएँ ना, तो उनका जो तत्व है जो नवीन स्थिति में नए आयाम को वहन करता है, नए अर्थ को वहन करता है, तो उसे मिथक कहा जाता है। तो ऐसे एक मिथक थे ये, यानी कि पुरानी परंपराओं के अनुसार चली आ रही थी लेकिन नवीन स्थितियों में एक नए अर्थ को धारण किए हुए थे, वो थे सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और सौख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। अब लेखक कहता है कि हमें पता नहीं है कि इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक कहते हैं चंचल, कि चंचल जो गोपियां थीं उनको अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुँह भरे थे। अब लेखक कहता है कि हमें ये पता नहीं है कि कब इन्होंने जो कृष्ण ने वृंदावन के अंदर रासलीला रची थी और जो चंचल गोपियां थीं उनके साथ में शरारतें की थी, ऐसी कोई निशानी जो है या शरारतों का निशाना बनाया था, तो ऐसा हमें मालूम नहीं है। और कब उन्होंने जो मक्खन से भरे हुए भांडे जो हैं बर्तन जो फोड़े थे और कब दूध छाली से अपने मुँह भरे थे, दूध से और छाछ से अपने मुँह को भरा था और भर के फेंक दिया था मुँह से, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव में विश्राम किया था। और ये हमें पता नहीं कि वाटिका में जो छोटा उद्यान है ना उसके अंदर जो छोटे छोटे लेकिन किंतु घने जो पेड़ हैं जिनको कुंज कहा जाता है, तो कुंजों की छाँव में विश्राम किया था, ये भी हमें पता नहीं है। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और ये भी हमें पता नहीं कि कब दिलों के जो धड़कने हैं उनको तेज करने वाली जो बंसी है उस अंदाज में बंसी बजाई थी, क्योंकि हमने प्रसंग में पढ़ा है कि जब कृष्ण जो बांसुरी बजाते थे तो हर कोई जो है हर किसी का जो हृदय है जो दिल है तो कृष्ण के लिए धड़कने लगता था और वे कृष्ण के वशीभूत हो जाते थे। तो लेखक कहते हैं कि कब ऐसा हुआ था ये हमें पता नहीं है, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। अब लेखक कहते हैं कि पता नहीं कब वृंदावन जो है उसकी जो पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी, पता नहीं यह सब कब हुआ। अब लेखक कह रहे हैं कि पता नहीं ये कब हुआ, कब कृष्ण ने ऐसा किया है ना, कब जो गोपियाँ थी जो चंचल गोपियाँ थी उनकी शरारतों से उसको मोहित कर लिया, और कब कृष्ण ने बांसुरी बजाई और जिससे वहाँ के जो लोग हैं उनकी धड़कनें तेज हो गई, और किस प्रकार से वृंदावन जो है पूरी दुनिया वृंदावन की जो पूरी दुनिया वो संगीतमय हो गई थी, पता नहीं है सब कब हुआ। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। अब देखिए लेखक प्रमाण दे रहा है कि अगर कोई आज भी अगर वृंदावन में जाता है और यमुना का जो सांवला पानी देखता है, अब नदी मतलब यहाँ पर यमुना के लिए संबोधित किया गया या यमुना को कहा गया है, उसका अगर सांवला पानी अगर वो देखे तो पूरा घटनाक्रम उसको याद आ जाएगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। अब देखिए आज भी वैसा ही लग रहा है कि हर कोई जब सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियाँ जो हैं वृंदावन की, तो उन गलियों से होते उत्साह से भरी हुई भीड़ जो है नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है कि उस भीड़ में से निकलकर अचानक ही कोई आएगा और बंसी की आवाज़ पर सभी जो मुग्ध हो जाएंगे और अपने उनके जो कदम है वो रुक जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का मालिक सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। अब देखिए वृंदावन में ना सूरज ढलने से पहले तो वाटिका जो है वृंदावन की जो वाटिका है तो वहाँ पे माली जो वो सैलानियों को, सैलानी मतलब जो वहाँ पे घूमने के लिए गए हुए हैं दर्शन करने के लिए गए हुए हैं, तो उनको हिदायत देता है। हिदायत मतलब कि बताता है, कहता है
कि वे वहाँ से चले जाएं, क्यों शाम होने के बाद में वृंदावन जो है उसकी वाटिका को बंद कर दिया जाता है, वहाँ पे किसी का भी प्रवेश जो है नहीं हो सकता। कहते हैं कि वहाँ पे भगवान कृष्ण जो है रात के समय अपनी गोपियों सहित आते हैं और रासलीला करते हैं, तो इसलिए वृंदावन की जो वाटिका है तो वहाँ पे किसी भी सैलानी को रुकने नहीं दिया जाता। तो लेखक कहते हैं कि तो ऐसे लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा, यानी कृष्ण आ जाएंगे और अपने संगीत का जो जादू है वाटिका में फैला देंगे और पूरा माहौल जो है उस जादू से जो परिपूर्ण हो जाएगा और छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुई है क्या? अब देखिए लेखक जो है वो कह रहा है क्या जो कृष्ण की बांसुरी के जादू से क्या वृंदावन कभी खाली हो सकती है? तो ये खाली नहीं हो सकती। तो जिस प्रकार से कृष्ण के बारे में बता रहे हैं तो उसी के बाद में ये सालिम अली के संदर्भ में कहते हैं। तो आज हमने भाग एक के अंतर्गत सालिम अली की जो विदाई है उसके बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार से वो इस संसार से विदा होते हैं, और कृष्ण का इसमें उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार से कृष्ण जो हैं उनकी जो क्रीड़ाएँ हैं वो आज भी वृंदावन में जो हैं प्रचलित हैं। हर कोई उनके द्वारा की गई जो लीलाएं हैं उनको महसूस करता है और हर तरफ जो कृष्ण का जादू है वो अभी भी बना हुआ है। और यमुना का जल देखते ही कृष्ण से संबंधित प्रत्येक जो घटना है हर किसी के स्मरण हो आती है। तो ये था हमारा भाग एक जो कि हमने पढ़ा है, जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया सांवरे सपनों की याद, जिसमें सालिम अली जो साहब हैं तो उनकी मृत्यु के तुरंत बाद जो लिखा गया है तो उसमें कृष्ण का उदाहरण दिया गया है किस प्रकार से कृष्ण जो हैं वे अभी भी लोगों की यादों में बने हुए हैं। वृंदावन के प्रत्येक कण कण में अभी भी कृष्ण की जो अनुभूति है वो होती है। तो ये था हमारा भाग एक जिसका आज हमने अध्ययन किया है, हमारा जो अध्याय था चौथा कक्षा 9 का। तो आगे भी हम जो है इसका अध्ययन करेंगे भाग 2 के अंतर्गत कि लेखक जो है हमें क्या बताना चाहता है, तो पढ़ेंगे हम भाग 2 के अंतर्गत। इसी के साथ ही धन्यवाद।